इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जिनका भी एलोकेशन आ गया है सीएजी के अंदर 2021 का, तो उस पर हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जिसमें हम जो लिस्ट आई है उस पर पहले बात करेंगे। ऑडिटर और अकाउंटेंट का भी कुछ दिन पहले डीए और डब्ल्यू और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की लिस्ट आई हुई थी, उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड करा हुआ था। ये वीडियो पर्टिकुलरली ऑडिटर और अकाउंटेंट से रिलेटेड है। दूसरा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, जिनको भी जो भी स्टेट मिला हुआ है, जो भी ऑफिस अलोकेट किया गया है, उसका क्या प्रोसेस नेक्स्ट होगा, उस पर हम बात करेंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी, म्यूचुअल ट्रांसफ़र का क्या कुछ नियम होता है, उस पर एक बार हम नज़र डालेंगे। और 2022 वालों का कब तक उम्मीद कर सकते हैं, उस पर भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको कौन सा स्टेट मिला है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए नीचे लिख करके। क्या डिज़ायर स्टेट मिल गई है, नहीं मिल गई है, क्या आपने 22 में भी सीएजी को ही अगर ऑप्ट करा हुआ है तो एक बार ज़रूर लिखिएगा नीचे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को आगे ले जाने में मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लोग भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे और आपको अपने डिज़ायर चीज़ें मिल गई हैं, एक बार आप ज़रूर लिखिएगा। ये लिस्ट है, अगर आपने अभी तक लिस्ट नहीं देखी है तो ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये लिस्ट भेज दूँगा। और अगर आप अपने ग्रुप में एक्टिव होंगे तो आपको ये लिस्ट मिल ही गई होगी। टोटल 520 कैंडिडेट थे आपके, और ये 520 जो कैंडिडेट आपके हैं वो ऑडिटर पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, और इसमें एलोकेशन लिस्ट आपको ये मिल जाएगी। इसे आप देख पा रहे होगे कि लिस्ट में नंबर 1 पे जो कैंडिडेट है उसने राजस्थान ऑप्ट करा हुआ है, राजस्थान उसको मिला हुआ है, और नहीं राजस्थान उनको पहले एलोकेट किया गया, ऑप्ट क्या करा होगा। ऑब्वियस ये बात है कि अपना स्टेट ही कैंडिडेट टॉपर्स स्कोर जो करते हैं वो अपना स्टेट ही ऑप्ट करते हैं पहले नंबर पर। तो राजस्थान के थ्रू आपको ये ब्रांच जयपुर वाला ब्रांच उनको अलोकेट किया गया है। सेकेंड वाले को स्टेट जो अलोकेट किया गया वो यूपी किया गया, और मेरठ कैंट इनका पोस्टिंग है, राइट। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं कि कौन सा आपको मिला है और कौन सा ऑफिस आपको अलोकेट किया गया है। और इसी तरह से अकाउंटेंट की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको टोटल 325 कैंडिडेट थे आपके, और उसमें से जो भी अलोकेशन लिस्ट है आपको यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगी। इसमें से मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं, एक बार एक आप बताइएगा कि आपका ऑडिटर में हुआ था, अकाउंटेंट में हुआ था, क्या लोकेशन मिली हुई है। आगे का प्रोसेस एक बार जान लेते हैं। देखिए, जो भी स्टेट आपको मिला हुआ है, सपोज़ करिए मैं अगर बात कर लूँ पर्टिकुलरली, मान लीजिए मैं अकाउंटेंट को ही पकड़ लूँ, और अकाउंटेंट मान लीजिए आप यूपी की बात करें, और आपको अगर पीएजी ऑफिस मिला हुआ है, राइट, तो यहाँ से क्या होगा, आपको अलोकेशन फॉर्म जो ये आपका स्टेट अलोकेट हो जाता है, तो वहाँ से एक आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है और मेडिकल लेटर, साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी फॉर्म आता है, और ये सब कुछ आपको बाई मेल और बाई पोस्ट दोनों के द्वारा मिलता है। कहने का मतलब है, अभी एक बार आपको इस ऑफिस में जो भी आपको स्टेट या का ऑफिस अलोकेट करा गया है वहाँ पर आपको एक बार फिर से डिपार्टमेंटल डीवी के लिए जाना होता है। उसके पहले डिपार्टमेंट, क्योंकि वो आप ऑफिस ज्वाइन करोगे तो उनको आपकी डिटेल चाहिए, तो जैसे एसएससी फॉर्म भरते हो वैसे कुछ बेसिक इंक्वायरी आपकी इंक्वायरी करी जाती है, कुछ फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरवाई जाती है, और ये आप यहाँ पर अपडेटेड भरिएगा। यहाँ पर अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो वो भर दीजिएगा, ईमेल आईडी चेंज हुई है, मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, ये सब कुछ आप सही वाला भरिएगा, बिकॉज डिपार्टमेंट में यही इन्फॉर्मेशन आपका आगे के लिए रहता है इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये आपको करा के देना होता है। मेडिकल की अगर हम बात करें तो जो भी आपका ज़िला होगा वहाँ के सरकारी अस्पताल जहाँ पर सीएमओ बैठता है वहाँ से कराना होता है। सिंपल टेस्ट होते हैं मेडिकल के, मैंने कई वीडियोस में अपलोड करा हुआ है आपको, कि यूरिन का, ब्लड का, आँख कान का और हड्डी का, यही टेस्ट होते हैं, और टेस्ट करते भी नहीं डॉक्टर, आपका सीधा रिपोर्ट ऐसे बन जाता है। तो ये सब करा कर जब लेके जाओगे आप वहाँ पर, तब आपको ज्वाइनिंग लेटर, तब आपका ज्वाइनिंग कन्फर्म माना जाता है। और जब आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा तो देन आपको दो तरीके होते हैं, या तो आपको तुरंत ही दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे कि आपको 15 डेज़ या 10 डेज़ के बाद आपके घर पर आएगा कि आपको आकर के इस तारीख को ज्वाइन करना है, राइट। तो ये कुछ प्रोसेस है। अगर हम बात कर लें कि क्या इसमें कोई दिक्कत आती है, तो देखो डिपार्टमेंटल डीवी में जिनके प्रोविजनल स्टेटस है, खासकर ओबीसी स्टेटस वाले जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट है कास्ट का, कुछ ऑफिसेस हैं सीएजी के जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा इसमें रहेंगे हम, बात आगे करेंगे इस पर। तो सीधा सा ये स्टेप अभी है, कितना टाइम अभी इसमें लग जाएगा, तो आप एक महीना अभी और देख सकते हो यार इसमें, कि वहाँ से जो ऑफिस है, क्योंकि हर ऑफिस का अपना अलग अलग प्रोसीजर है, तो वहाँ से आपको अलग अलग समय देखने को मिल सकता है। एक बड़ा क्वेरी आ रहा है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अभी हम जब सेलेक्ट होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम एक बार सारा कुछ जानना चाहते हैं कि यार अभी मेरा हो तो गया लेकिन क्या है, सीनियर एओ कब बनते हैं, एओ कब बनते हैं, और कब कितने पोस्ट पर रिटायर होंगे, कॉमर्शियल में, सिविल, ऑडिट, सब कुछ जानना चाहते हैं, राइट। तो एक बार हम एक बार डबल एओ का देख लेते हैं कि क्या कुछ डबल एओ का है। देखिए, जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाता है, प्रोबेशन आपका 2 साल का होता है,
तो उसके बाद आप एलिजिबल हैं SAS पार्ट SAS एग्ज़ाम के लिए। SAS का एग्ज़ाम आपका जो होगा वो पार्ट वन और पार्ट टू दो एग्ज़ाम होते हैं, आपको दोनों ही एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जा कर के आपका WO का वो कन्फर्म होता है। पार्ट वन से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पार्ट वन जो होता है आपका बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग वाला रहता है, बाकी ड्राफ्टिंग का भी रहता है, लेटर का रहता है आपका, और GS के क्वेश्चन रहते हैं। तो पार्ट वन आपका वो उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी अगर पार्ट टू की बात करें तो वो आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो दोनों ही पार्ट आपको क्लियर करने होते हैं। सवाल ये उठता है कि WO का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद क्या आप जिस दिन पास करोगे क्या उसी दिन आपको WO बना दिया जाता है? मान लो आपने एग्ज़ाम दिया और पार्ट टू का रिजल्ट आपको मान लो 10 तारीख को आ गया, तो क्या हम नेक्स्ट डे या फिर उसी महीने के आखिरी में ही WO की पोस्ट पा जाते हैं? देखिए WCAG, देखो दो तरह के WO हैं, एक CGDA में है डिफेंस में और एक CAG के अंदर है। अगर हम CGDA की बात करें तो वहाँ का और यहाँ का CAG का दोनों में अंतर है, दोनों के WO की पोस्टिंग में थोड़ा डिफरेंस रहता है। अगर हम पहले CAG का देख लें फिर हम CGDA बताते हैं आपको। तो CAG में क्या है कि जब आप एग्ज़ाम पास करोगे तो उसका जब भी एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो एक पार्ट टू ऑर्डर होता है। जब भी आप कोई भी आपका कुछ आपके साथ कैजुअलिटी होती है, कोई भी डिपार्टमेंटल इनको होती है, आपकी प्रोसीजर होता है, तो उसका एक पार्ट टू ऑर्डर होता है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आप जब एम्प्लॉई बनेंगे वहाँ का तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद एक पार्ट टू ऑर्डर आएगा आपका, यानी आपको एक एम्प्लॉई ID मिलेगा, तो आप माने जाओगे कि हाँ आप उसके कर्मचारी बन गए हो। जब पार्ट टू आपका ऑर्डर होगा टीयर टू, मतलब इसका जो एग्ज़ाम के पार्ट वन पार्ट टू एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, यानी कि WO वाला CAG का, तो उसके बाद आप SAS का पार्ट टू क्लियर करने के बाद आपका डिपार्टमेंटल पार्ट टू ऑर्डर होता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर होगा कि हाँ ये लोग एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। और फिर जब आपका ये पार्ट टू ऑर्डर आएगा तो उसके बाद आपको सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाएगी, 4800 ग्रेड पे की सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको पोस्ट नहीं मिलेगा, तनख्वाह आपको मिलेगी। पोस्ट का रूल CAG में ये होता है कि आपके ऊपर जितने लोग होंगे उसके हिसाब से वैकेंसी देखी जाएगी कि वैकेंसी कब क्रिएट हो रही है, राइट, उस हिसाब, क्योंकि उसके आपके ऊपर जो WO लोग होंगे वो फिर AO बनेंगे, फिर सीनियर। लेकिन अभी क्या है, AO और सीनियर AO का मर्जर हुआ है, राइट, पोस्ट हटा दी गई है AO की SAO के अंदर, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया, तो उससे 4-5 साल का आपका गैप बच गया आपका। तो अभी क्या है कि आप वेट करोगे WO एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी कि ऊपर की सीनियरिटी जो है आपकी वो वहाँ से जब वैकेंसी क्रिएट होगा, तो यहाँ पर देखा जाता है 1 से 1.5 साल तक का समय आपका लग जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप WO बनते हो तो आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्शियल या सिविल में ही जाओ, आपके पास मौका रहता है दोनों के लिए ही। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि 1 से 1.5 साल या 2 साल लग जाता है आपका, लेकिन आपको सैलरी पूरी मिलती रहती है जो WO का रहता है। ये सैलरी में आपको लॉस नहीं होगा जिस दिन से आपका पार्ट टू ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर आपको 1.5-2 साल तक का भी वेट करने को मिल सकता है, लेकिन CGDA में आपको ऐसा नहीं है। CGDA में जब आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो और जैसे ही पार्ट टू ऑर्डर आ जाता है, आप कन्फर्म हो जाते हो, विदिन 15 डेज़ के अंदर आपको WO की पोस्ट अलोकेट कर दी जाती है। ये डिफरेंस है आपका। और फिर मैं आपको बता दूँ, जैसे आप WO बनोगे तो जिस हिसाब से ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी क्रिएट होगी, फिर उसी हिसाब से आपका ट्रांसफ़र भी होगा। WO बनने के बाद ट्रांसफ़र के लिए तैयार रहेगा, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा था दिमाग मत लगाइए, बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। आप जब जाओगे डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, बहुत सारी क्लियरिटी आपको तब समझ में आती है, पोस्ट देखोगे, चीज़ें समझोगे, जितना मार्केट में हवा हाइप क्रिएट किया होता है उतना कुछ नहीं होता, राइट, कि 4800 ग्रेड पे है, गैजेटेड पोस्ट है, ये है वो है। जब आप जाओगे सामने से देखोगे काम करने का तरीका, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तब समझ में आपको आएंगी। इसलिए आप अभी ज्वाइन करिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रखिए, और रहता है कि हम 2 साल में क्या क्लियर करके तुरंत 4800 ले लेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। आपको समझ में चीज़ें आएंगी कि ऑडिट समझने में WO की इनिशियली आपको समय वाकई समझ चाहिए, और आप इनिशियली पहुंच भी जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा चीज़ें, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जिनका स्टेटस प्रोविजनल है। देखिए EWS में तो प्रोविजनल दिया नहीं, या तो आपको क्लियर दिया है या तो फिर आपको जनरल में क्लियर किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। CGL 21 की बात करूँ, OBC को दिया गया, EWS में हाँ उनके साथ दिक्कत आ सकती है, जिनमें अगर बात करें हम कि फाइनेंशियल ईयर में अगर कुछ लिखने में कहीं दिक्कत आई हो या फिर कट करके लिखा हो, कहीं हो सकता है डिपार्टमेंट कर दे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर SSC का स्टेटस क्लियर रहा है, CGL 18 से अगर मैं कवर करते आ रहा हूँ सब चीज़ों को, ज्वाइनिंग के बाद तक का पूरा प्रोसीजर सब कुछ देखता हूँ मैं आपका, तो उसमें मैंने नोटिस किया है कि जब भी SSC का स्टेटस क्लियर रहता है तो डिपार्टमेंट कभी भी किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं करता, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली जिनका प्रोविजनल है। देखिए
आपको थोड़ा सा कुछ रीजन में दिक्कत आ सकती है, राइट, क्योंकि सीएजी में मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड करे हुए हैं कि कुछ रीजन ने डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनल को लेके प्रॉब्लम क्रिएट किया। घबराइएगा मत, बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दिया है, आप एक्टिव रहिएगा, बने रहिएगा किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कुछ समय के लिए रोकेंगे, फिर भी आपका फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगा। किस जगह से इशू आ रही मुझे लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे जो लोग इनबॉक्स में हो डायरेक्ट मैसेज कर देना। नहीं पता है कैसे करना होगा तो किसी से आप मांग लोगे तो आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा इसके रिगार्डिंग। दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि मैंने देखा है कि कैंडिडेट एक एक साल तक सफ़र किए हैं इसको लेकर के। डीए की पोस्ट को लेकर बात करूँ मैं, या फिर मैं बात करूँ ऑडिटर की बात करूँ सीएजी के अंदर पर्टिकुलरली, तो इशू आया है प्रोविजनल में लेके। लेकिन टोटलिटी में अगर बात करूँ एट द एंड कोई दिक्कतें नहीं होंगी, ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको लॉस देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र, देखो सीएजी में ट्रांसफ़र करने का केवल एक ही तरीका आपका है और वह है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। बात करें ग्राउंड की, स्पाउस ग्राउंड की, या फिर मेडिकल, यार देखो इस टाइम पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो हाहाकार मचा हुआ है, जो प्रॉब्लम है, सबसे टॉप प्रायोरिटी में जो दिक्कतें हैं वो है ट्रांसफ़र, राइट। और इसी वजह से आप देख रहे हो कि वैकेंसी इतनी क्रिएट हुई है, लोग हाई ग्रेड पे की पोस्ट छोड़ करके लो ग्रेड पे के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। रीज़न उसका सिर्फ है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर अच्छी रही होती, इतना लेनियंट होती, या फिर एम्प्लॉय के फेवर में होती, साफ साफ बात करें तो यार ऐसी दिक्कत नहीं आती। बंदे एक ही पोस्ट के लिए चार पांच बार नहीं जाते, राइट। तो ये दिक्कतें म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही है। देखो इसमें ये है ऑडिटर और अकाउंटेंट में, अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो उसमें अगर आप रेलवे में हैं तो आप अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र देख रहे हैं तो आपको सेम स्ट्रीम में यानी कि रेलवे में ही देखना पड़ेगा। अगर आप कमर्शियल में है तो कमर्शियल में ही देखना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं आपका, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। आप किसी में भी, बस आपको बंदा चाहिए जो ऑडिटर हो, सीएजी के अंदर काम कर रहा हो, तो आपका म्यूचुअल हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये था कि सर कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे और कब करना होगा इसके लिए अप्रोच, यार बड़ा ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस अभी आप ये जान के रखिए, मैं ट्राई करूँगा यार, अगर आप लोग बल्क में चीज़ें लिखोगे तो मैं एक बार ट्राई करूँगा कि इसके लिए एक अलग से सेशन कर दूँ, मैं आपको एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए, और कुछ पेजेस सजेस्ट कर दूँ जहाँ पर लोग ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई हम ऐसा ग्रुप बना भी लें, क्योंकि अभी आने वाला 21 और 22 का भी बहुत बड़ा कैडर वो तैयार हो रहा है आपका, और इसमें से कई सारे लोग हैं जो आगे ज्वाइन करके छोड़ेंगे भी, तो उस केस में भी बेनिफिट मिल सकता है। उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अगर रेडी हो जाते हैं तो जो लोग छोड़ेंगे वो लोग अगर डिज़ायर लोकेशन अपनी छोड़ दें और जिनको चाहिए वो मिल जाती है उनको, तो काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे उसके लिए, बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा तो आप उसके लिए। लेकिन अभी आप समझिए कि म्यूचुअल के लिए आपको बंदे ढूंढने होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी आपके सेम स्ट्रीम में हो, दूसरे स्ट्रीम में भी होगा तो ट्रांसफ़र आपका हो जाता है। और कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, 3 महीने 4 महीने में भी आपका अगर कैंडिडेट मिल जाता है तो दोनों जगह से फाइल प्रोसीड हो जाती है आपकी और आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। देखिए 22 की अगर हम बात करें, देखो यार सीएजी का मेरे हिसाब से लग रहा है 22 का, देखो जुलाई एंड तक मैंने बताया था, अभी नोटिस भेजी गई है कि आप डेटा कंपाइंड करके भेजिए कितनी जगह खाली है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जुलाई एंड तक आप डबल ए और डीए का देख सकते हो, और 10 अगस्त तक आप देख सकते हो ऑडिटर और अकाउंटेंट का, राइट। 10 बहुत ज़्यादा वर्ष होगा तो 15 अगस्त तक आप मान सकते हो, लेकिन 10 अगस्त तक आपको मिल जाएगा। और देखो अभी जो डिटेल मांगी थी उन्होंने अपने रीजनल ऑफिसेस से, उसकी आरटीआई मैंने खुद मांगी है, तो अगर वो मुझे मिल जाता पहले थोड़ा सा आपका पैनिक पन थोड़ा कम हो जाए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आगे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आप उस पर फोकस करिए, इन सब चीज़ों को दिमाग से हटा दीजिए। देखो जो लिखा होगा वो मिल के रहेगा, मैं आपको स्टार्टिंग से पोस्ट प्रेफरेंस टाइम पर भी बताते आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, चीज़ें बहुत। अभी देखो कल कई लोगों के मैसेज आए कि सर एक ही पोस्ट थी मिल गया मेरे को एमपी के लिए, मैंने भरा था। एक कैंडिडेट का मैसेज आया था कि मतलब पोस्ट उसने टीए छोड़ करके इसको ऑप्ट करा था, मिल गया होम पोस्टिंग। तो यार रहता है, कई लोग होंगे आप में से जो नहीं भी पाए होंगे, बिल्कुल भी पैनिक मत करना है सब चीज़ों को लेकर के। और टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा, भी चीज़ें बहुत काम की वहाँ पर पोस्ट होने वाली हैं आपके लिए। और कोई भी डाउट है तो मुझे यूट्यूब कमेंट में लिख के